जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। तो मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं आपका अपना, आपके परिवार का, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजमिश्र। तो आइए बात करते हैं नवंबर आखिर कैसे व्यतीत होगा आपके लिए। आपके राशि स्वामी जो बृहस्पति हैं वो खैर वक्री हो गए हैं, और वक्री होना आपके लिए तो खैर अच्छा ही है, क्योंकि पंचम भाव से भी प्रभावित करेंगे, छठे भाव से प्रभावित कर रहे थे तो थोड़ा नुकसान दे रहे थे, आपके लिए फायदेमंद है। और कुछ शानदार युतियां ग्रहों की बन रही हैं, लेकिन उसमें बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइक शुक्र और बुध 12th हाउस में युति बना रहे हैं, लाभेश और दशमेश हैं, तो विदेश से कुछ बड़ा डिफरेंट दिखा रहे हैं, कुछ खास लाभ विदेश से दिखा रहे हैं, और कुछ चीज़ों पर पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन वो अच्छी चीज़ों पर होगा, खराब पर नहीं होगा। तो ये सारे विषय हैं इस महीने के, जिस पर हम चर्चा करेंगे नवंबर में। लेकिन एक सूचना आपको दे देता हूँ कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं इस देश में, विदेश में, कहीं पर, और आप चाहते हैं वो संगीतमय हो और उस कथा को आचार्य राजमिश्रा जी करें, यानी मैं करूं, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशली रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो बिल्कुल फ्री होता है। आइए जुड़िए और अपने बारे में कुछ भी जानिए। लेकिन यदि पहले और बाद में बात करना चाहते हैं और विस्तार से बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो एक कॉल अपॉइंटमेंट आपको छोटा सा लेना होता है, ले लीजिए और विस्तार से मेरे साथ चर्चा कीजिए। आइए बात कर लेते हैं कि आखिर नवंबर में क्या खास है आपके लिए और किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं, और मेरे दृष्टि से वो पॉइंट है आपका हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस संसार के अंदर। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, अगर स्वास्थ्य खराब है तो सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखें, राशि स्वामी आपके बृहस्पति वक्री हो गए हैं, आप जानते हैं अक्टूबर में ही वक्री हुए हैं, और वक्री होने के कारण आपके पंचम भाव से अपने मित्र की राशि मंगल की राशि से भी प्रभावित करेंगे। तो वक्र होना उनका आपके लिए बहुत बेहतरीन है, उनकी दृष्टि भी आपके राशि पर भी पड़ने वाली है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से आपका नवंबर का महीना निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, भविष्य की नई योजनाएं आपके द्वारा तैयार होंगी। ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए नवंबर में अच्छी होने वाली है। चिंताएं उनकी भी दूर होने वाली है जो नौ दंपत्ति हैं, जो संतान को लेकर के IVF और पता नहीं क्या क्या प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है। तो इस महीने संतान को लेकर के खुशखबरी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का जो संयोग है वो आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। खैर, मंगल नीचस्थ रहेंगे पंचमेश, तो सावधानी की आवश्यकता निश्चित रूप से आपके लिए रहेगी। तो अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे अच्छा दिख रहा है, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आखिर अच्छा दिख रहा है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं भाई, तो पैसे के लिए कैसा रहेगा, है ना। पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, कोई आपका आंसू पोंछने वाला हो वो आपके लिए बड़ा धन है, कोई दिक्कत नहीं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, जब हम लोग इसको किसी उस पर कोई कोट करता है, कोई अच्छा कुछ बोलता है तो ऐसा सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन सच्चाई ये बताइए, इस संसार में पैसा सब कुछ तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। क्योंकि आप देखेंगे कि यदि आप एक कतार में खड़े हैं, मैं बड़ा बड़ी बात कर रहा हूँ, किसी धार्मिक स्थल पर भी आप खड़े हैं और आपने बड़ा अच्छा पहन रखा है, आपके हाथ में अच्छा पैसा है, शायद आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, आप कहीं भी खड़े हैं। अब सिंपल सी बात है कि इंसान आप भी हैं, इंसान अंबानी जी भी हैं, इंसान कोई बड़ा पैसे वाला भी है, लेकिन यदि आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं और वो बड़ा पैसे वाला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उसको शायद सबसे पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, हमको आपको उस लाइन में नहीं जाने दिया जाएगा। तो भाई पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर हो गया ना भाई। कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी, लेकिन रतन टाटा जी की मृत्यु हुई, मैं खैर उनका सम्मान करता हूँ, तो उसके लिए पूरे देश को पता चला उसी दिन, पता नहीं कितने लोग, कितने गरीब लोगों की मृत्यु हुई होगी, उनको शायद किसी ने नहीं जाना। तो इस कारण से पैसे के बारे में बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो भाई पैसे को लेकर के इस महीने 6 तारीख के बाद जब बुध धनु शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आर्थिक परिस्थिति आपकी बहुत शानदार होती हुई दिख रही है।
फंसा हुआ पैसा निकल कर आएगा, अचानक आर्थिक लाभ जरूर होगा। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, तो शेयर मार्केट से इस महीने आपको अच्छा खासा पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक लाभ इस महीने आपके लिए जरूर दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो पैसे को लेकर अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छा है, पैसे को लेकर भी अच्छा है। तीसरी चीज पर बात कर लेते हैं, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ। संतान को लेकर हमने बात कर ही लिया है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए, क्योंकि 10th के स्वामी 12th हाउस में मंगल की राशि में गोचर करेंगे और मंगल की राशि उनकी शत्रु राशि है। 10th हाउस में ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, ये संयोग मुझे कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा। देखो भाई, विदेश में आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, कर रही हैं, तो लाभप्रद है, क्योंकि भाग्यश सूर्य भी 16 तारीख के बाद 12th हाउस में चले जाएंगे। अब विदेश में अगर आप नौकरी सर्च कर रही हैं तो आपको वहां से लाभ दिख रहा है, वहां आपको नौकरी प्राप्त हो जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन अगर अपने देश में आप प्रयास करें तो आपके नौकरी जाने का भी योग है, नुकसान का भी योग है, उसको लेकर के तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से, क्रोध करने से बचने की आवश्यकता होगी। ग्रीन वेजिटेबल खाना होगा, नॉनवेज वगैरह आपको अवॉइड करना होगा। नौकरी को लेकर ये कंडीशन है। अच्छा, प्रेम संबंध को लेकर के जनरली आपके मन में इच्छा हो, कोई प्रश्न प्रेम संबंध का हो, उस पर थोड़ा चर्चा किया जाए। सो प्रेमी प्रेमिका की तरफ से या मित्रों की तरफ से धोखा या ऐसे बिहेव किए जाए जो आपको अच्छे ना लगे, इस प्रकार का योग है, तो प्रेम संबंध पर सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन देखो, मैं जानता हूं कि इतनी जानकारी से आपका दिल तो नहीं भरा होगा, है नहीं है? तो आपको क्या करना है, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जाना है और बात करनी है, अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना है, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। बाकी आप मेरा समय लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। आपको बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। जय श्री राम।